प्रणाम दोस्तों। तो आज हम लोग 3 बजे ही बैठ गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि मार्केट तो अभी जो होना था वो हो गया है और अभी ज़्यादा कुछ इतनी एक्शन बाकी नहीं है। 15 मिनट में क्या एक्शन होगा। बाकी इवेंटफुल डे डे रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया। क्योंकि पहले तो एक तो लॉन्ग ट्रेड मिला और बाद में शॉर्ट ट्रेड मिला। शॉर्ट ट्रेड मतलब इतना सेंटिमेंट बुलिश है तो शॉर्ट ट्रेड लेने में डर लग रहा था, लेकिन ये एकदम ही कंफर्टेबल ट्रेड था और बहुत ही फटाफट प्रॉफिट में आ गया और इमीडिएटली प्रॉफिट दे भी दिया 15-20 मिनट में। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या ट्रेड बना था। पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप डे देखेंगे तो पहले मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, पिछले दिन का हाई और लो। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन्स है वो कंटिन्यूस ब्लू लाइन, वो है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, और यहाँ पर है 1 घंटे का हाई और लो। आज जब दिन शुरू हुआ तो उसके बाद जो लो बना था और हाई बना 1 घंटे का, पहले 9:15 से 10:15, जिसको कहते हैं हम लोग इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो, वो मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, इनिशियल बैलेंस हाई से लेके इनिशियल बैलेंस लो कुछ 300+ पॉइंट का था वो बैंक निफ्टी में। तो जब वो इतना बड़ा रेंज हो जाता है पहले ही 1 घंटे में, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के दिन में फिर से वापस वो दूसरे छोर तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है कि 300 पॉइंट इसलिए है कि 360 पॉइंट हो जाता है 1% हमारा निफ्टी, जो बैंक निफ्टी चल रहा है उसका। तो ये 300, मैं आपको एग्जैक्ट बोल देता हूँ। थ्री फाइव 953 लो था और हाई था हमारा 36317। तो 364 पॉइंट्स का जो रेंज था वो 1% हो जाता है रफली। तो 1% इज गुड इनफ रेंज 1 दिन के लिए। तो 1 घंटे में वो हो गया था, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते थे कि एक शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। उसके पहले हमको एक लॉन्ग ट्रेड मिला था, वो मैं लॉन्ग ट्रेड आपको बताऊंगा, बट वो लॉन्ग ट्रेड था निफ्टी में। यहाँ पर मैंने वो ट्रेड नहीं लिया था बैंक निफ्टी में, क्यों नहीं, सॉरी, बैंक निफ्टी में ही लिया था क्योंकि वो ट्रेड निफ्टी में रेजिस्टेंस था, बैंक निफ्टी में अभी तक क्लियर नहीं था। तो आप यहाँ देखिए क्या हुआ। मैं ये सब इंडिकेटर्स जो मेरे हैं रेगुलर वाले वो लगा देता हूँ। ठीक है, हम दो ही इंडिकेटर्स यूज करते हैं, एक तो सेंट्रल पिवट रेंज और कैमरेला पिवट, तो वो मैंने लगा दिया है। मैं पहले पिवट बंद करता हूँ, सिर्फ सीपीआर लगाता हूँ। तो आज जब दिन खुला वो खुला, आज का पिवट भी सीपीआर जो था वो कल के सीपीआर के ऊपर था। ठीक है, और दिन भी ओपन हुआ आज के सीपीआर के ऊपर, और दिन खुलते ही प्रीवियस डे के हाई के बाजू में आके खड़ा रह गया। तो उसके ऊपर हमारा ट्रेड लेना बनता था, क्योंकि एक जब एक मोमेंटम है, एक सीपीआर का सपोर्ट लेके कुछ ऊपर जा रहा है तो वहां पर हमें एक ट्रेड लेना बनता है। ठीक है, कोई वो ट्रेड नहीं लेता है और फिर वो कंसोलिडेशन के लिए रुकता है। ये कंसोलिडेशन किस जोन में हो रहा है वो देखिए आप। ये कंसोलिडेशन जोन हो रहा था, ये जो रेड लाइन है वो है सप्लाई जोन है एक, यहाँ पर से मार्केट नीचे आया था तो वो सप्लाई जोन था, और यहाँ पर एक ब्लू लाइन जो थी वो प्रीवियस डे का हाई था। उसके अंदर कंसोलिडेशन होने के बाद फिर से वो एक ऊपर की तरफ भागा और वहां पे रुक गया। वहां पर क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये जो था वो था R4। R4 का रेजिस्टेंस था यहाँ पर। समझदार इंसान और जो एकदम ब्रेव ट्रेडर है वो यहाँ पर ये कैंडल के ऊपर ही ट्रेड ले लेता, क्योंकि R3 और प्रीवियस डे हाई दोनों साथ में थे और मोमेंटम अच्छा था, क्योंकि सीपीआर ओपन ऊपर हुआ था और बैंक निफ्टी भी ऊपर ओपन होके एक फटाफट ऊपर आ रही थी। तो हो सकता था कि वो तोड़ दे, एक छोटा सा चांस लेने की बात थी। जो कंफर्टेबल हो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो ट्रेड लेगा, बाकी कोई ट्रेड लेगा नहीं ये। ठीक है, और वहां पर R4 ऊपर, R4 का रेजिस्टेंस था और फिर वहीं पे अपना इनिशियल बैलेंस हाई भी बन गया था। ठीक है, पहले तो R4 देख के ही हम लोग चल रहे थे, बाद में 1 घंटा खत्म होने के बाद हमने वो ये इनिशियल बैलेंस हाई का ड्रॉ किया था। बार बार स्टॉक वहां पे जा रहा था ये अपना बैंक निफ्टी और उसको कुछ पार नहीं कर पा रहा था। बाद में हमने ये जो हमारा ये यहाँ पर जोन बना हुआ था R3 और प्रीवियस डे हाई और
ये सप्लाई जोन का, उसके नीचे जैसे ही वो आया और ये लेवल पूरा खाली था, यहाँ से यहाँ तक कोई सपोर्ट ही नहीं था बैंक निफ्टी का, अगर आप देखेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं था। और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। यहाँ पर देखिए आप, एक कैंडल, दो कैंडल, ये दो कैंडल में यहाँ से मार्केट यहाँ पर पहुंच गया, वैसे ही नीचे आते वक्त एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, तो इसको बोलते हैं फ्लूइड जोन। उधर ना कोई बायर है, ना सेलर है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई सपोर्ट है, तो वो फटाफट यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से वापस नीचे आ गया। तो ये फ्लूइड जोन को याद रखिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना एक एक के बाद एक। ये फ्लूइड है, यहाँ पर जितना फास्ट वो ऊपर गया था उतना ही फास्ट वो नीचे आया, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लूइड जोन। जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सेलर नहीं है, बायर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वहां पर गैप अप्स होता है या तो बड़ा कैंडल्स होता है, गैप अप्स, गैप डाउन्स और बड़े कैंडल्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े कैंडल्स ही बने थे और दिन हमारा फटाफट यहाँ पर बैंक निफ्टी का शॉर्ट ट्रेड क्लियर हो गया था, ठीक है। तो ये मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बताऊंगा सब, जो कुछ भी बताऊंगा अभी मैं यहाँ पर, अभी कुछ भी ये नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पर ऐसा टेढ़ा लाइन ड्रॉ करते, ऐसा करते तो ऐसा होता, मैं वो नहीं बताने वाला हूँ अभी। अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही हम लोग प्रोसेस करेंगे, इससे कि आपको भी इजी हो जाए समझने में और मेरा भी एकदम क्लैरिटी आते जाए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारा एक अजगर कहाँ था, अजगर तो नहीं बोलेंगे, जब भी कॉन्फ्लुएंस होता है, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस को हम बोलेंगे शॉक लगा लगा, ठीक है। तो शॉक लगा लगा एक जगह पे था, जब ये मार्केट यहाँ पर नीचे आने लगा कहाँ रुकेगा, तो ये हमारा S3 और CPR का एक जो था BC बॉटम CPR, वो वाला एक रेंज यहाँ पर था, तो वहां पे बराबर आके जो फॉल था वो रुक गया, तो इसको कहेंगे शॉक लगा लगा, जैसे ही यहाँ पर आया वहां से ऊपर मार्केट चला गया, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट है, कल मैंने वीडियो में बताया था, अजगर, अजगर होगा डिमांड और सप्लाई जोन जो है उसको कहेंगे हम अजगर, जहाँ पे आता है अपने आप और फिर वहां से ऊपर चला जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पर हमारा पिवट और CPR या इनिशियल डे हाई, इनिशियल डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये दो तीन चीजें एक साथ मिलती है, उसे हम कहते हैं शॉक लगा लगा, ठीक है। तो ये दो चीज है, शॉक लगा लगा और अजगर और फ्लूइड, मैंने आज तीसरा कॉन्सेप्ट समझाया। आप प्लीज एक बुक रखिए या तो आपके मोबाइल में आप नोट कीजिए ये कॉन्सेप्ट, और जब जब आपको ये लगे आप एक डेट के साथ करना कि ये वीडियो में ये डेट पर ये समझाया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अजगर कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था 9 तारीख, 9 अगस्त 2021, और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है शॉक लगा लगा। इसके पहले के वीडियोज में भी मैंने शॉक लगा लगा बताया, लेकिन आज मैं फिर से, क्योंकि हमने कल से नया ही शुरुआत की है तो नए तरीके से बताता, और आज मैंने फ्लूइड्स का भी समझाया कॉन्सेप्ट कि जितना फास्ट ऊपर जाता है बाद में वो रेजिस्टेंस के नीचे आता है तभी उतना ही फास्ट नीचे आता है। तो ये था बैंक निफ्टी, और निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में मैंने ऑलरेडी ब्लू लाइंस है वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है, और 1 घंटा खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पर इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो ड्रॉ कर दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो CPR है वो क्या कहता है। अब जो दिन था आज ओपन हुआ और अच्छा खासा थोड़ा गैप अप ही था, प्रीवियस डे का क्लोज जो था उसके ऊपर ही अच्छा ओपन हुआ, दोनों CPR के ओपन ऊपर ऊपर ओपन हुआ, और आज निफ्टी जो था वो एकदम नैरो जोन था, तो नैरो CPR था उसका, और उसने जैसे ही वहां से शॉर्ट मतलब वहां से स्टार्ट हुआ दिन, वैसे ही वो ऊपर जाने लगा था, और CPR से सपोर्ट ले रहा है और दोनों CPR के ऊपर है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक 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 ये रहता है बैक ऑफ योर माइंड के वहां पर से सपोर्ट मिला है तो प्रोबेबली देर आर लॉट ऑफ बायर्स वेटिंग जिन्होंने बाई किया है, और कोई सेलिंग इतनी इमीडिएट नहीं आने वाली है, और थोड़ा मोमेंटम मिलते रहेगा, और जो फोमो में रहेंगे, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो लोग छूट गए वो लोग भी कोशिश करेंगे कि फटाफट वहां पर आए। तो यहाँ पर इनिशियल जो हमारा प्रीवियस डे हाई था ये ब्लू लाइन, वो भी दूर था, मतलब 16,300 से लेके 16,321, 20 पॉइंट का तो कोई हमको प्रॉब्लम था नहीं, और वहां पर पहुंचने के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने मिला, और जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म हुआ एक बड़े कैंडल से उसने थोड़ा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो आप ये कंसोलिडेशन देखकर भी रुक जाते और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते तो भी आपको एक अच्छा मुनाफा देखने मिलता था। प्रीवियस डे हाई मतलब इनिशियल बैलेंस हाई तोड़ दिया उसने, ये डॉटेड लाइंस था, 1 घंटे के बाद मैंने ये 10:15 बजे इनिशियल बैलेंस हाई बना दिया था, और उसके ऊपर जाके फिर वो वापस नीचे आया, वापस उसने अपने प्रीवियस डे हाई से सपोर्ट लिया, पूरा दिन कंसोलिडेशन हो रहा था,
और यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लगा दिया था, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर। एक यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रेड ले लिया था क्योंकि ये सब जो भी लोज बने थे उसके नीचे था और ये एरिया एकदम क्लियर था। इस एरिया के बाद यहाँ तक कुछ भी नहीं था, ये फ्लूइड था। जैसे ये 3 कैंडल में ऊपर तक गया वैसे ही 3 कैंडल में नीचे आ गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वो शॉर्ट किया, मैंने एक निफ्टी का कॉल शॉर्ट किया था आज, और बस वो 186 के अराउंड का कुछ कॉल था, और जैसे ही वो किया तो वो फटाफट नीचे आ गया। और यहाँ पर मुझे लगा था कि मिल जाएगा सपोर्ट, तो मैं यहीं निकल गया था, बट वो और नीचे गया। पूरा पॉइंट्स तो नहीं ले पाया, बट ठीक है, जितना मिला अच्छा मिला। फिर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा जाके, तब मुझे पता चला कि वो उसका कोई सपोर्ट नहीं ले पा रहा था वो, और इसीलिए वो रुका रहा। जब यहाँ सपोर्ट लिया उसने, तभी जाके कॉन्फ्लुएंस पे ही सपोर्ट मिला उसको, और जैसे ही कॉन्फ्लुएंस में बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला, हमारा निफ्टी भी ऊपर की तरफ भागने लगा। देखते हैं यहाँ पर कोई कॉन्फ्लुएंस था क्या? नहीं, कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं था, और वो S3 के भी थोड़ा नीचे चला गया था। कॉन्फ्लुएंस होता अगर यहाँ पर आता तो, यहाँ पर प्रीवियस डे लो और S4 था, यहाँ तक आ जाता तो निफ्टी बाई करने में भी मजा आ जाता, क्योंकि ये फिर हो जाता शॉक लगा लगा। ठीक है, शॉक लगा लगा बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ से एक बार ऑलरेडी शॉक लग चुका है, अजगर ने एक बार दे चुका है यहाँ पर। यहाँ पर अजगर था हमारा। ये है अजगर, जिधर कल कल भाग भी गया था, और आज भी वो सप्लाई जोन। देखिए, ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन भी होता, S4 भी होता, और हमारा प्रीवियस डे लो भी होता, तो ये कॉन्फ्लुएंस, शॉक लगा लगा, अजगर सब होता है। यहाँ पर आता तो हम लोग जरूर बाई करते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी के दो दो ट्रेड थे, यहाँ पर बाई और यहाँ से सेल। यहाँ पे किसी को कोई क्लैरिटी ना हो तो बेझिझक आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि क्या आपको क्या समझ में नहीं आया। 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, फ्लूइड, शॉक लगा लगा और अजगर। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको समझाया है। अजगर में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अजगर मतलब सप्लाई और डिमांड जोन पे जो एक्टिविटी हो रही है वहां से जो ट्रेड बन रहा है वो उसे अजगर कहते हैं। और जो कॉन्फ्लुएंस, पिवट, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इनिशियल बैलेंस, और जो CPR है उसका कोई कॉन्फ्लुएंस अगर मिल जाए हमें, वीकली डेली जो भी है वहां से अगर हमें मिल जाए तो उसे हम कहते हैं शॉक लगा लगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। आज हम लोग थोड़ा स्टॉक्स का भी बात करते हैं। स्टॉक्स में मैंने 4 स्टॉक्स बताए थे सुबह, के सन फार्मा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आरती इंडस्ट्रीज और RBL बैंक। ये चारों में हमें कुछ मूवमेंट देखने मिल सकता है क्योंकि उसका CPR नैरो है और वो इनसाइड CPR है। तो अगर आप RBL पहले देख रहे हैं, RBL बैंक, इसमें कैसा होता है आपको RBL बैंक, ये RBL बैंक का चार्ट है। हमें इसमें सिंपल एक ही काम करना है, प्रीवियस डे का जो लो है या प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर बाय करना है और प्रीवियस डे के लो के नीचे सेल करना है। तो ये आज प्रीवियस डे का लो तोड़ा अराउंड 176, और उसने अभी लो बनाया है 172। ठीक है, तो ये RBL बैंक था। आरती इंडस्ट्रीज में भी अगेन वीकली का भी वहां पर ही CPR था और नैरो भी बनाया था, तो उसका लो था 936 के आसपास कल का, और उसके बाद नीचे गया तो वो सीधा आया 912। ठीक है, तो LIC हाउसिंग फिनेंस देख लेते हैं। LIC हाउसिंग फिनेंस 403 का लो था कल का, और उधर से नीचे गया 393, 10 रुपया, 2.5% होता है। सन फार्मा में क्या हुआ? सन फार्मा में वीकली जो CPR था वहां से कल भी सपोर्ट लिया था, आज भी सपोर्ट लिया था, और कल का लो नहीं ब्रेक हुआ था आज, और ऊपर की तरफ हाई की तरफ गया है। अगर कोई समझदार होता तो ये S4 और वीकली CPR का ये ग्रीन कैंडल देख के ये ट्रेड ले सकता था। मेरा मोस्ट ऑफ दी फोकस निफ्टी बैंक निफ्टी पे है आजकल, और मैं आपके साथ ये सब शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सीखने मिल रहा है, और बस यही रीज़न है कि मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ आपसे। और ज़्यादा फोकस मेरा स्टॉक्स पे नहीं होता है, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ही
कोशिश कर रहा हूँ फोकस करने की, बट ये जो तीन चार स्टॉक्स होते हैं रोज जो मेरा मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वीडियोस मैं शॉर्ट्स बना के रोज अपलोड कर देता हूँ, शायद आप देख भी रहे होंगे, अगर देख नहीं रहे हो तो प्लीज रोज सुबह वो मैं अपलोड करता हूँ, वो आप देख लेना, जिससे कि आपको पता चले कि कौन से स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट ये पूरा कल का हाई और लो का आप GTT भी लगा के या लिमिट ऑर्डर डाल के भी छोड़ सकते हो, इसमें आपका कोई, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं हो, पार्ट टाइम ट्रेडर हो या ऑफिस गोअर हो, तो फिर भी आप ये ट्रेड ले सकते हो इजीली, ठीक है। थोड़ा आपका ट्रेड चालू होने के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, या तो फिर स्टॉप लॉस एक फिक्स करके आपको रखना पड़ेगा कि इतना परसेंटेज मेरा नुकसान करने की कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई आपका कोई सवाल हो या कुछ हो तो प्लीज आप मुझे मेल कीजिए stockengineer2018@gmail.com, या तो फिर मेरे कमेंट सेक्शन पे, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।